नमस्ते, मैं सदी विजय ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आइए दिखाते हैं अगले सीजन के लिए हम जो धान हमारा पीटा गया है जो अच्छा होता है ना दमदार, उसी को हमने निकाल के ला दिए। पूरा अभी बोरी फैलाना है, पकड़ लिए देखिए विशाल की रख दिए हम, अभी ज़्यादा सूखेगा तब रखेंगे दोस्तों बोरी भर कर। ये अगले सीजन के लिए अगले साल के लिए, और वो बोरा है एकदम धीरे काल कर पानी दोस्तों नहीं काल नहीं प्रवाह है लेकिन अच्छा है, जो भी है बढ़िया है। अब ये फट गया देखो, बारिश से तो भीग गया थोड़ा बहुत, इसे अभी दो दिन और लगभग सुखाना पड़ेगा। मौसम खराब क्या सब चला है, मेरी कोई चलो ले लियो कुछ देता तुम लोग देखिए दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया इस आम को, इससे ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। इतने सुंदर सुंदर पत्तियां अब चल रही हैं इसमें से, ये देखिए दोस्तों मिर्च वाला फूल। ये देखिए गेंदे का फूल का पौधा, देखिए दोस्तों गुलदस्ते का फूल ही नवरात्र में बच्चे कुल आए के तोड़ के लेके भाग गए थे और गिर गए थे, कोई घूर घूर के गए और अरे उसके ऊपर देखिए कितना अच्छे से डाल निकल रहा है फूल के ऊपर। ये देखो वहाँ की जब हम अगले नवरात्र में पूजा कर रहे थे तो वहाँ पे उतने यहाँ पे नगाए तो ये अब देखो ये चल रहे हैं, बढ़ना शुरू कर दिए, पानी रोज पा रहे हैं। और जब चैत्र के नवरात्र में पूजा कर रहे थे हमारे दुआरे नीम का पेड़ नहीं था, ये दिक्कत था। दोस्तों कितना छोटा सा नीम हमने पूजा कर रहे थे जब नवरात्र में, जैसे वो है उतना ही बड़ा जो दिखाए अभी, वो इस साल लगाए है। अरे अगले नवरात्र में हम लगाए तो पेड़ खुद है दोबारे नीम था तो झूला जी गिर गया, देखिए उसी का बच्चा है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। अब ये खपिया छाई होकर कितना नीचे है, जब हम इतने ही बड़े थे जब पूजा कर रहे थे चैत में। चलिए दोस्तों तो भी है इस समय गुड़हल का खुद तैयार है हमारा पूजा करने के लिए हमें, बाकी चीज़ और सनाई जो है दोस्तों और सनाई दिखाते हैं, सब कहते हैं तुम्हारा सनाई बहुत सुंदर है। बाकी पेड़ दिखाते हैं, देखिए एक पेड़ कितना अच्छा फूल ले रहा है, अब इसमें फल आएगा दोस्तों, इसलिए इसे नहीं शुरू करें खाने के लिए। और जो गौशाल में इधर दिखाते हैं यह देखिए अभी फूल कुछ भी नहीं आ रहा, बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, इतने सारे पेड़ हैं, पता नहीं कब फूल आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा बहुत सारी जगह है ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, नीम का पेड़ अच्छा है हमारा, ये हमारी पूरी लकड़ी तैयार देखिए आप लोग, तो इसी से यहीं से लकड़ी लेकर के हवन सामग्री हो रहा है इस समय दोस्तों, बाकी चीज़ अच्छा है। आइए दोस्तों अचानक बारिश भी होने लगता है ना, एक बाइक
हम लोग तो आप लोग दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमको तो अपना होता है तो वीडियो कहाँ बनाए, जितना सदस्य है दौड़ दौड़ पाए धान उठाते इसलिए वीडियो नहीं दिखा पाते हैं दोस्तों, बाद में बता देते हैं कि कितना हमसे परेशान हो गई थी बीजे से। चलिए दोस्तों आए अभी भी देखिए धूप इतना टाइट हो गया, धूप देखिए कितना टाइट हो गया है, और तुरंत ही बादल देखो, पहले बादल देखो, बादल देखने कहोगे आप लोग कितना सुंदर बादल है, अभी तुरंत बनाएगा मौसम तुरंत बरसेगा, इसे कहते हैं दोस्तों कुआरा लहरा। देखिए कितना गजब बादल, नीचे धान वाले से नीचे सीधा धान, देखिए नीचे नीचे ये वहाँ धान है, देखिए बादल ऊपर बादल नीचे धान हमारा है, और हम धान के ऊपर सीधा बादल कितने अच्छे से घूम रहे हैं, मोटे मोटे एकदम बादल हैं, देखिए बड़े बड़े देखिए बादल, ये बादल तो अगर बारिश एक बादल कर दे तो साफ बह जाएगा, बहुत इस साल बारिश हो रहा है अंत, लेकिन यहाँ पे तो नुकसान करने के लिए बरसते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी डर लगता है कभी बादल के नीचे पानी हमारा भीगने न लगे, चलते भाई काटे फिर उसे तुरंत चलाओ बुलाओ दोस्तों, उसके बाद व्यवस्था हो उठावा ही वाला, नहीं तो अगर दिक्कत हो जाए भीग जाता तब तो परेशान हो जाएगा, तभी इधर उधर डाल डाल के हम लोग पंखा चलाते हैं, वो भी लाइन रहता है तब नहीं रहता है, फिर ऐसे लाते लाते हमेशा फैला होता है, अब ज़्यादा है तो पैर से ही फैलाना पड़ता है दोस्तों, और थोड़ा रहता है तो हाथ से फैला देते हैं। चलिए चलते हैं, देखिए दोस्तों हमारा जो ये आम का पेड़ है बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, और देखिए उधर अपने प्यारी सी कल्लो भैंस के लिए चारा, थोड़ा सा भूसा भी ले लेते हैं। चलिए 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 ना, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे छाया जो हमें देते हैं। देखिए दोस्तों सब काम गए, अब काम में हेल्प कर रही बेचारी, इधर देखो उधर करो बाय ऐसे करो ऐसे करो, हाँ देखो हेल्प करने आई है चौक चौका लेके भैंस के लिए, तो अच्छा लगता है बच्चे भी काम काम करने आ जाते हैं दोस्तों, चलिए इनको लिए चारा पहले कर देते हैं, बनना हमें चोकर ले उधर रखा भाई, चलो भाई खाए नहीं चारा थोड़ा सा ये की तरह ऊपर है, इस साल नवरात्र दोस्तों हमारे गांव में चार पांच जगह मूर्ति बैठाई गई है, हम खुद पूजा हम लोग करते हैं दोस्तों, कभी कभी चले जाते हैं बगल में जो है देखने, और देखा कितने अच्छे से लोग गा रहे हैं गीत, चलिए मेरे बच्चों को लेकर चलते हैं, भूसा भी लेते हैं को भी रखा गया है, बच्चा बेचारा खा तो है, चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, नमस्ते दोस्तों बाय, अब चलते हैं हम लोग खेत में।